राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो आप पूरी देखें क्योंकि आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ गुड्डा गुड़िया का खेल खेला करती थी। कुत्ता जी, राधे राधे। राधे राधे, आइए इधर आइए। राधे राधे, जय श्री राधे। ये हमारे गुरु भाई हैं गोपी बाबा। गोपी बाबा तो नहीं होते हैं, गोपी दादी होती है, लेकिन ये गोपी बाबा है। सब प्लीज राधे राधे। हाँ, राधे राधे। तो गोपी बाबा बहुत समय पहले यहाँ आकर के इस स्थान को सब विकसित किया है चारों तरफ। ये सब इनका ही प्रताप है, राधा रानी की कृपा। राधा रानी तो कुछ इस मंदिर के बारे में बताएं आप। तो मैं तो नहीं जानता हूँ जी, हमारे गोपी बाबा आपको अच्छा से बता पाएंगे। आइए महाराज बताइए। जिस स्थान पे आप दर्शन कर रहे हैं ना, इस स्थान का नाम है नौबारी चौबारी। राधा रानी का आठ सखी ललिता विशाखा चंपकलता इंदुलेखा तुंगविद्या गांगो देवी सुदेवी चित्ता सखी, हर एक प्रधान सखी राधा रानी स्वयं, आठ और एक नौ, इसलिए नौबारी चौबारी चबूतरा। इस चबूतरा में नौ सौ की गुड्डा गुड़िया खेल। सामने ही एक पर्वत है श्यामशिला पर्वत, यहाँ कृष्ण भगवान बैठ के छुप करके खेल देखता है सखिया कैसे खेल रहा है। सामने नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, सामने आए तो खेल भंग हो जाएगा। लेकिन सबसे चतुर सखी ललिता सखी बोले, वो ऐसे छुप करके खेल क्यों देखता है, सखियो चलो इसको पकड़ के यहीं ले आओ। जैसे सखिया गया ना तो भगवान अंतर्धान हो गया। सखियो बोले, वो कहीं जा नहीं सकता है, वो यही है। तो सखियों का भावना से वो शिला स्वयंवरण हो गया। ठीक उस समय बाद भगवान दर्शन दिए। इसलिए आज भी जिस शिला में भगवान बैठा था ना, वो स्वयंवरण, इसलिए पर्वत का नाम श्यामशिला पर्वत। गांव का जो सखी है ना तुंगविद्या सखी, अभी आपका दर्शन होगा, मूल मंदिर में विराजमान है। तुंगविद्या सखी का जन्म भादर महीना शुक्ल पक्ष तृतीया, पिताजी को नाम पुष्कर, माता मेघा। तुंगविद्या सखी रोज बिना बाजाते हुए स्वयं राधा कृष्ण जी के ले जाता है। आज भी बाज रहा है, कोई कोई भाग सिल के सुनाई देता है। रावी जो गुड्डा गुड़िया दर्शन किया ना, उस गुड्डा गुड़िया में आठ सखी खेल रहा है। और जो सिंहासन में विराजमान है, जिसका गोद में गुड्डा है स्वयं राधा रानी, जिसका गोद में गुड़िया है ललिता सखी, राधा रानी बरात लेकर आ रहा है। इधर ललिता विशाखा सखी पालकी में अपना गुड़िया लेके बैठा है। जैसी बचपन में खेलता है ना, ऐसी खेल या खेल इसी स्थान पर, इसी स्थान पे महाराज जी। तो स्वयं आज भी हमारी राधे मैया का यहाँ एक स्वरूप है, क्योंकि वो यहाँ पर खेली। बिल्कुल बिल्कुल स्वरूप है, इसलिए ये प्राचीन दिव्य स्थली
सामने कुंड है रतन कुंड, जहाँ राधा ने अपना रतन की खेती की। हाँ, वो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको कराता हूँ इस मंदिर का टूर। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। तो भैया जी आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। आपको स्थान के बारे में कैसे पता लगा? बाबा का देखा था, बाबा से मिले थे, बताया था। अच्छा, कि नौवारे चौवारे पे जाइएगा, तुंग विद्या सखी है, राधा रानी का सखियों में से एक सखी है जी। यहाँ पे आए तो यहाँ पे अपने आप में ही एक मनोहर दृश्य है, और अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति है, अद्भुत शक्ति जो खींचती है। यहाँ जब यहाँ पहली बार आए थे तो बस यहीं के रह के। तो कैसा अनुभव हुआ आपको यहाँ आने के बाद, जो यहाँ पर दर्शन हुए आप? देखिए, ऐसे हमारे पास शब्द नहीं कि हम अपने अनुभव को यहाँ व्यक्त कर सकें जी। हाँ, एक परम शांति परम आनंद की अनुभूति यहाँ पे आके होती है। अच्छा अच्छा। तो राधे राधे बच्चे, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा राधे राधे जी। राधे राधे। आपका अनुभव कैसा रहा जी यहाँ पर? जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, आज पहली बार आई हूँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे ताऊ जी। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आप भी दिल्ली से ही हैं? साथ में साथ में ही हैं सारे। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। तो आप इसके बारे में लोगों को बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं, जब तो हम सारे समूह एक साथ आते हैं, खींच के ये बराबर आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप यहाँ आते रहते हो, लोगों को इसके बारे में बताते हैं? साथ में लेके आते हैं, बस लेके आते हैं, गाँव से गाड़ी लेके आते हैं, जैसे भी जो व्यवस्था। इन सब ये सब पहली बार आए, इन सबको लेके आए। ये माता जी हमारी मुंबई से हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, आप लोग कहाँ से हैं दोनों? मुंबई दिल्ली का साथ कैसे है? हम दिल्ली मुंबई से हैं। अच्छा। राधा नाथ गोपीनाथ टेम्पल से जी। पर हम लोग राधा माधव में आते हैं, आई कैम में। अच्छा। तो वहाँ से हमें बाबा से कनेक्शन हुआ और हम लोग यहाँ आए। एक बार आज 7 साल हो गया, जैसे पहली बार हम यहाँ आए तो हमें लगा कि हम जिसकी खोज कर रहे थे वो हमें पूरी मिल गई। हम जब भी मुंबई से एकदम त्रस्त होते हैं, महीने दो महीने में चले आते। हमारा कश्मीर यही है, हमारा चारों धाम यही है, आपका स्वर्ग यही है, कुल मिला बस यही है, सब मिला के चले आते। राधे राधे जी। जय श्री राधे। आप कहाँ से हैं जी? हम दिल्ली से हैं लेकिन हम बरसाने में रहते हैं, हमारा घर बरसाना। अच्छा, बरसाना ही रहते हैं। तो दिल्ली आप छोड़ चुके हैं जी? कितने समय हो गए आपको दिल्ली छोड़े? 1 साल हुआ है। तो मतलब ऐसा क्या आपके ऊपर कहते हैं कि हमारी भाषा क्या पागलपन सवार हुआ कि आपने जो दिल्ली छोड़ दिया? हमारा सब कुछ यही है, हमारे इष्ट श्री जी यहाँ है, हमारा सब कुछ यहाँ पे है। आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, वो भी आ रहा है, और गोपी बाबा के सानिध्य में भंडारा हुआ है यहाँ पे। तो आपने अपने बच्चों को त्याग दिया? बच्चों को तो हमने नहीं त्यागा, हमें श्री जी ने अपना लिया, सब अपने आप छूट गया, हमने कुछ नहीं त्यागा। और एक बात यहाँ की एक खासियत है जी, जो हमारे परम पूज्य गोपीनाथ बाबा हैं जी, वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, जिसके तो अगर हम कुछ भी करें तो राधा रानी के स्वरूप में जो है ना वो हमारे गोपी बाबा। तो हमें ऐसा लगता है कि बस दुनिया में हम जहाँ भी जाए ये हमारे माँ है बाप है, हमको बस ऐसे लपेट ली थी बस दुनिया में ये मेरे राधे मेरे गोपी बाबा बस। ये गोपी बाबा नहीं है, गोपी मैया है। अच्छा, मैंने अच्छा, इनका नाम मैया रखा हुआ है। तो यही है हमारे गोपी बाबा, गोपी बाबा जी राधे राधे। तो इन्हीं में वो इतना जादू है कि लोग अपना घर छोड़ दिया दिल्ली से, और हमारी अम्मा जी ने मुंबई छोड़कर यहाँ जाती है कम से कम 2-2 महीने के लिए। तो ऐसा ही हमारे बाबा में जादू है, जो हमें भी अनुभव हुआ थोड़ा बहुत यहाँ उनसे मिलने के बाद। जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे तभी आपको वो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं, हम आपको सखी जी का मंदिर दिखाते हैं। चलिए मैम, तो सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे जहाँ पर हमारी राधे मैया खेल रहा है, गोपियों के साथ खेला करते? चलिए इसके बारे में आप थोड़ा अंदर से बताइए हमें। तो आप जो मेरे बिल्कुल सामने दर्शन कर रहे हैं, यही है जहाँ पर हमारी राधे मैया गोपियों के साथ अपनी अष्ट सखियों के साथ खेला करती थी, गुड्डा गुड़िया। और हमारी राधा जी के हाथ में है गुड्डा और ललिता सखी जी के हाथ में है गुड़िया। तो गोपीनाथ जी आप इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए जो स्थान है ना जी, इस स्थान पे 8 सखी और एक प्रधान सखी राधा रानी जी, तो यह गुड्डा गुड़िया खेलती जैसे खेल रहा है ना। देखिए राधा रानी अपना गुड्डा लेकर आ रहा है बरात। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर देखिए ललिता विशाखा गुड़िया लेके पालक में है। अच्छा, ये शादी कराई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसे बचपन में खेलता है ना शादी वैसी। हाँ, इसलिए इसी स्थान का नाम है नौबारी चौकड़ी।
अच्छा अच्छा तो उसके पीछे क्या हुआ? उसका पीछे देखिए नौबाड़ी मतलब नौ सखी, अच्छा अच्छा चौबाड़ी चबूतरा, चबूतरा जो ऊपर है। हाँ जी, इस चबूतरा में जी ऐसे ही खेलती जैसे खेल रहा, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, एज इट इज जी। पीछे जो पर्वत है जी, अब तो पहले बताया शमशिला पर्वत जी, देखिए कृष्ण भगवान जी शमशिला पर्वत में बैठा है, तो ये कुछ लीलाएं भी दर्शाई गई हैं इस पर। बिल्कुल जी, ऐसी खेल देखता है जी, कैसे सखिया खेल रहा है जी, और बंसी बजता है जी। जिस शिला में बैठा था ना जी, वो शिला आज भी संगमरमर, अच्छा आज भी वो है। हाँ जी, हाँ जी, आज भी है। वो वीडियो आएगी आपके नेक्स्ट व्लॉग में। और जो सामने मैं देख रहा हूँ ये कौन सी लीला है, कुछ इनके बारे में बताइए। निकुंज लीला, निकुंज लीला में कृष्ण भगवान सखी रूप से आया, श्याम सखी रूप से जी मिल रहा है राधा जी के साथ जी। और ये तुंग विद्या सखी, तुंग विद्या सखी जिनका स्थान है जी, जिनका स्थान है जी। देखिए उधर विश्वान बाबा के पास जी राधा रानी मांग रहा है जी खेलने के लिए जी, तो विश्वान बाबा दे रहा है गुड्डा जी। ठीक ललिता सखी उसको शारदा माँ को बोल रहे हैं जी उनको कुछ कुछ खेलने दे, तो वो उनको भी दे रहे हैं, दे रहा है गुड़िया जी। बोला कहाँ खेलू? बोला डाबरा गांव में जा जी, वहीं जाके खेल जी। तो यहीं एक खेल रचा है जी गुड्डा गुड़िया को जी, इस स्थान पे। ये डभारा नाम कैसे पड़ा इसका, इसे कुछ मतलब है डभारे का? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है जी, डभारा गांव नाम कैसे हुआ जी। जिस शमशिला पर्वत में भगवान बैठा था ना जी, पाठ के वंशी बात है जी, तो भगवान का एक सखा है सुबल, सुबल 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 सखा, सुबल सखा बोला प्रभु आज राधा रानी का रूप और गुण वर्णना करो। तो बोले करो, तो सुबल सखा राधा रानी का रूप और गुण वर्णना करे, करते 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 भगवान का दोनों आंख आंसू से डब डब आ गया। अच्छा अच्छा, इतना रूप इतना गुण जी, वो था प्रेम का आंसू, इसलिए उसी दिन इसी गांव का नाम डबारा, आंसू में डब डब आ गया ना राधा रानी का, इतना रूप इतना गुण, आंखों में डब डब आंसू हो गया, डब डब हो गया, डब डब, तो डब डब नाम से डबारा हो गया, डबारा। और मैं पीछे ये देख पा रहा हूँ हमारे राधा मैया के हाथ में एक तोता है, तोता इसका क्या हुआ है? ये तोता है, ये तोता राधा रानी का संवाद देता है कृष्ण भगवान क्या कर रहा है जी, और कृष्ण भगवान का हाथ है एक माइन, उधर जाके दिखाता हूँ आपको जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, तो इनका आपस में कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन, राधा रानी का संवाद इधर जी सुख देता है और सारी का संवाद कृष्ण भगवान में देता है जी। और ये है ना, एक बार देखिए ये चित्र देख रहे हैं ना जी, एक बार रूप गोस्वामी बिल्कुल सामने जो चित्र देख रहे हैं, भजन कर रहा है, भजन करते करते जी एक दिन क्या देख रहा है, राधा रानी को एक फूल हाथ में नहीं आ रहा है जी, तो ठाकुर जी बोले मेरा कंधा में चढ़ जाओ जी, फूल तोड़ लो। जैसे कंधा में लिया ना जी, जैसी श्रीमती राधा रानी डाली पकड़ लिया ना जी, तो कंधा से पांव हटा दिया जी, तो झूलने लगी जी। तो रूप गोस्वामी चिंतन करे जी आज मैं कौन सा लीला दर्शन कर रहा है जी, आज राधा रानी पैर में झूल रहा है, संग संग ठाकुर जी फिर कंधा में लेके नीचे उतार दिया, वही लीला है। तो ये वो लीला है जो हमारी राधा रानी जी के हाथ में वो फूल नहीं आ रहा है, वो हमारे कृष्ण जी के कंधों पर चढ़ जाती है, उसके बाद वो झूलती है, कंधे से उनके पैर हट जाते हो फिर भी झूल रही होती है, यही एक विचित्र लीला थी कि आप दर्शन करें। और इसी के साथ यहाँ पर उनका एक झूला झूलने का भी है, सखिया झूल रहा है ना, झूलन लीला। हाँ जी झूलन लीला जी, तो कृष्ण भगवान सखी रूप से आया जी, बोला नेक मुको वो झूला ले सकी जी, तो बोले तू भी झूल ले जी, लेकिन तू कौन है जानता हूँ, तू जितना ही सखी रूप से आ
वही है। अच्छा जो मेरे सामने नीचे बैठे हुए हैं ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके रंग से पहचाने जा रहे हैं। रंग से पहचाने, बिल्कुल सही। श्याम सखी, श्याम सखी भाई। अब इसके बाद हम आपको दर्शन कराएंगे जो यहाँ पर तुम विद्या सखी जी का जो मंदिर है। चलिए, तो आपके बच्चे आ गए अब? ये आपके बच्चे हैं? हाँ, ये हमारे बच्चे हैं। आ जाओ सारे बच्चे उधर आओ। अच्छा 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 अच्छा, ये हमारे बर्थडे बॉय हैं। अच्छा अच्छा, ये जन्मदिन है, ये इनके सब दोस्त हैं, ये हमारी बिटिया रानी है, वो बड़ा बेटा है, ये सब हमारे बच्चे। तो आपके बच्चों को आपकी याद नहीं आती? बहुत आती है, तभी तो हमेशा आ जाते हैं हम। हम दोनों ही हैं। ये है बर्थडे बॉय, ये दादी माँ है हमारी, दादी श्याम, और ये अर्जुन के अभिषेक कृष्ण जी का उपदेश नहीं मिला था। राधे राधे। अभी कपाट खुले हैं मंदिर के। बच्चे आप ये, तो मैन जी कुछ इस मंदिर के बारे में बताइए आप। राधे राधे। देखिए जो बीना से विराजमान है ना जी, तुम भी दस सखी जी, बीच में राधा राज बिहारी लाल जी जो चामोर सेवा कर रहा है, रंगो देवी जी, जन्मभूमि रंगो देवी को राकोली गांव, राकोली गांव में शामिल हूँ जी। तुंग विद्या का ढाबा रहा यही जी, ये स्थान है जी। तो तुंग विद्या सखी का जन्म भादर महीना शुक्ल पक्ष तिथि, पिताजी को नाम पुष्कर जी, माता मेघा। अच्छा अच्छा। रोज बिना बाजाते हुए राधा कृष्ण भी जाता है जी, आज भी बिना बाज रहा है जी, कोई कोई भाग्यशील सुना देता है। हाँ जी, गोपाल जी, राज जी जी, तुलसी महारानी जी, बिंदा देवी जी। तो मूल मंदिर जो खेला भूमि है जी, तो आपको दर्शन कराया जी। और इसी आप सोचेंगे जो मंदिर है जी, ये नौबाड़ी चौबाड़ी है जी, और गांव डाबारा है जी, ऐसा क्यों जी? ऐसे ही है ये आठ सखी और एक प्रधान राधा रानी नौ सखी जी, इस चौबूतरा में गुड्डा गुड़िया खेलती जी, इसलिए स्थान का नाम है नौबारी चौबारी। नौबारी चौबारी जी 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 जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे भाई। आज मैंने आपको दर्शन कराए तुक विद्या सखी जी के, उनके मंदिर के। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और भी कई वीडियो आएंगी उनके लिए भी आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे।